गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी घर में बढ़िया हैं, अपने घर में। तो माँ बाप का असर दिखा है? सुबह सुबह गर्म पानी पीना पड़ेगा। पियो। पी रही हूँ। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, मम्मी पापा के आगे बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत टाइम बाद के मम्मी पापा को कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, वो फील हो रही है। बस अभी उठी हूँ मैं। उठते ही सबसे पहले गर्म पानी और साथ में फरमाइशें कि क्या खाओगे, कैसे बनेगा, क्या करना है, वो चीज़ें आपको सिर्फ मायके में ये चीज़ें मिलती हैं और कहीं नहीं मिल सकती। तो बस अब गर्म पानी पी रही हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ, थोड़ा नहाना धोना करके उसके बाद करते हैं गप्पे थोड़ी देर और, क्योंकि फिर मुझे निकलना भी है टाइम से। अभी तो बच्चे सो रहे होंगे और समृद्ध का आज स्कूल भी होगा, तो मुझे उसके स्कूल से टाइम से पहले पहले पहुंचना है घर, ताकि मैं उसको रेडी कर सकूं। बाकी काम तो मैं आपको बताया ही था, सारे करके आई थी। सिर्फ उसका टिफ़िन है जो मुझे जाके बनाना होगा, वो भी अगर मैं नहीं भी पहुंची, ऐसा कुछ नहीं है, दिया घर पे है अभी, तो ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है कि मुझे भगदड़ है कि मुझे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी आपको मिलवाती हूँ अंकल से, आंटी से, और थोड़ी गपशप करते हैं। चलिए, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करना पहले ज़रूरी था, तो चलिए आती हूँ मैं थोड़ी देर जी। सॉरी, मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रही क्योंकि इतना इमोशनल टर्मोइल चल रहा है और इतना सब बातों में हम इन्वॉल्व हैं कि हम कुछ भी शो नहीं कर पा रहे। रात को भी हम 2:30-3 बजे तक गप्पे मारते रहे और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो अभी वो सिचुएशन थी कि बस निकलना था मुझे, और ये था कि कोई बात करनी रह ना चाहे, कोई चीज़ ऐसी हो जो मन में रहना चाहे कि ये रह गया, ये तो बात की नहीं। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में अंकल भी चले गए अपने वर्क पे, जो उनका वर्क प्लेस है वहाँ चले गए, तो अब उनसे तो मैं मिलवा नहीं पाऊँगी। बट हाँ, बहुत जल्दी या तो ये हमारे यहाँ आएंगे या मैं यहाँ दोबारा आऊँगी बच्चों के साथ उनको मिलवाने के लिए, तो तब मैं ज़रूर आप लोगों से मिलवाऊँगी। क्योंकि जब जो चीज़ छूट गई होती है और वो जब दोबारा मिलती है ना, तो इंसान कोशिश करता है कि अब ये लंबे समय तक हमारे पास रहे, हमसे ना छूटे। तो ये मायका तो ऐसे रहा नहीं मेरा, बट ये जो छोटे छोटे मायके मुझे मिल रहे हैं, भाई का घर, छोटे भाई का घर, ये आंटी अंकल का घर, तो मैं इनको तो बहुत सहेज के रखने वाली हूँ ताकि ये मेरे हाथ से कहीं ना जाएं। तो अभी ये मैडम पूछा लगा रही हूँ यहाँ पर, तो इनको मैं डिस्टर्ब ना करते हुए एक साइड में आके खड़ी हूँ। बस मेरा ऑटो बुक हो चुका है और मैं निकलने ही लगी थी, तो मैंने सोचा कि एक लास्ट गुड बाय शुड बाय मैं करवा लूँ। और अंकल तो सॉरी मिल नहीं पाए, वो तो चले गए। तो ये देखिए, ये मेरी माँ रूप में दूसरी माँ, जो मेरी टीचर भी रह चुकी हैं, जो मेरी गुरु रह चुकी हैं, मेरी फ्रेंड रह चुकी हैं। एक एज में हम दोनों रात को मैं दूध गर्म करती थी अपनी किचन में और इनकी किचन सामने होती थी, तो हम वहाँ पे मिलके बातें करते थे। याद है जब भी मेरे दूध की चम्मच घूमती थी ना, तो वहाँ से आवाज़ आती थी, पूजा तू दूध ही ला रही है, दूध में चीनी मिला रही है। तो मैं उठ के वहाँ पहुँच जाती थी अपना दूध वूध सब छोड़ के। तो मायका वो बचपन वाली चीज़ें सारी हम कल रात से बस ऐसे बातों में लगे हैं, रुक ही नहीं रहे, हमारी बातें ही नहीं खत्म हो रही। इवन सुबह अंकल उठ के कह रहे, तुम सोए नहीं सारी रात? तो बहुत बहुत मेरे लिए तो ये 8 साल बाद, मम्मी के जाने के बाद 8 साल बाद मुझे मम्मी जैसा प्यार और मम्मी जैसा अटैचमेंट, वो बातें सारी जो मम्मी को बताती थी मैं, वो सब बताने का मौका मिला। इनको देख के मैं आज सुबह भी यही कह रही थी कि रात को जब आपके साथ लेटी थी, बिल्कुल मम्मी वाला फील आ रहा था, शक्ल भी मिलने लग गई इनकी मम्मी से। और अभी सुबह जब ये ब्रेकफास्ट बना रहे थे मेरे लिए, तो मैं खड़ी होकर ऐसे बातें कर रही थी, मैं इनको बोल रही थी कि मेरी मासी की भी लुक आप में आ रही है, तो अब मुझे मासी को भी मिस करना पड़ रहा है आपको देख के, मुझे मासी की भी याद आ रही है। मतलब है रिश्ते, उनको याद तो हमेशा ही हम करते हैं, बट ये होता है कि चलिए सब अपने अपने घरों में बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो हम रोज़ रोज़ तो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और मैं भी अब जाके कहीं फ्री हुई हूँ जॉब से और चीज़ों से, तो मैं अब अपने रिश्तों में इन्वॉल्व होना शुरू हुई हूँ, तो मुझे मौका मिल रहा है उन सारे रिश्तों को जो छूट गए थे दोबारा से लाइन अप करने का, एक पिरोने का धागे में, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। शायद इन सब चीज़ों से मैं अपने लाइफ की थोड़ी और जो कमियां हैं उनको दूर करती हुई आगे निकल जाऊं जब तक जिंदा हूं। तो मिलती हूं, बस निकलने लगी हूं, निकलती हूं अपने ठिकाने में पहुंचती हूं, फिर आपसे मिलती हूं, क्योंकि वहां से भी 10 फोन आ चुके हैं, कब आओगे। घर में बैठे हो तो कोई पूछता नहीं कि आप कमरे में हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कोई पूछेगा। आप घर से निकली हो तो रात से अब तक 25 फोन आ चुके हैं। चलिए देखती हूं मेरी क्या लोड पड़ गई उनको, आती हूं और मिलती हूं दोबारा घर पहुंच के। आ गए जी अपने घर, अपने अटायर, अपने बिस्तर, अपने सिंहासन पे।
आते ही सबसे पहले तो आपको पता है जब एक लेडी घर से बाहर जाती है और फिर घर आके घर का हाल देखती है तो उसके बम ब्लास्ट होते हैं। तो पहले तो मेरे भी बम ब्लास्ट हुए हैं। मैं कल के कपड़े धो के रख के गई हूँ तो वो सुखाए तक नहीं किसी ने, और अब उसको सुबह सुबह मेरे आते ही उसको क्या चाहिए, जुराबे कहाँ है, मेरी जुराबे कहाँ है, मुझे स्कूल जाना, मेरी जुराबे कहाँ है, और जुराबे अभी भी मशीन में पड़ी हैं। ये हाल है। तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जब थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ तब मैंने कहा कि चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। बस वो तो मैंने आपसे शेयर किया ही है कि वो जो मदरली फिगर और वो माँ बेटी की बातें होती हैं, वो सारी बातें हुई, वो सारा एंटरटेन किया उन्होंने। सुबह भी काफ़ी देर तक, क्योंकि मुझे निकलना था तो हम काफ़ी देर तक गप्पे ही मारते रहे, और उन गप्पों में ही हमने अंकल को चाय पिलाई, अंकल को नाश्ता कराया, हमने नाश्ता किया, मतलब एक सेकंड भी ऐसा नहीं निकला कि हम बात ना कर रहे हो। कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक पे हमारी बात चल ही रही थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों का ध्यान घड़ी पे गया, अरे 11:30 हो गए, मैंने कहा मुझे तो निकलना है, फटाफट से मैंने चेंज किया, फटाफट से मैं और ऑटो बुलाया और मैं निकली। और जो मैं कान्हा जी की ड्रेस लेके गई थी, आज मैम ने सुबह सुबह कान्हा जी को जब स्नान कराया तो उनको वही ड्रेस और वही शॉल पहनाई, मुझे दिखाने के लिए बुलाया। बट मैं उनके कंफर्ट में नहीं वो करना चाहती थी, इसलिए मैंने फोटोग्राफ वगैरह नहीं ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो मेहनत की या मैंने बिना देखे उनको बनाई तो वो उनको पूरी आ गई। बस वो देखो डांट खा रहे हैं दोनों 2 दिन से, कल भी खूब पूरी इन्होंने डांट डांट खाई है, कंट्रोल करके रखा है इन लोगों ने, अब वो अभी भी वो पिट रहे हैं दोनों। चलिए बस पहुंच गई हूँ, आ गई हूँ, अब देखती हूँ घर का क्या करना है, क्योंकि अभी विनीता आएगी, अभी सफाई करने आई नहीं है तो अभी आएगी, तो उसके बाद देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है, मिलते हैं फिर आपको। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सो के उठी हूँ 5:30 बजे, दोपहर से सो रहे हूँ, मैं भी सो रही हूँ, दिया भी सो रही है, और अभी जस्ट उठी तो फिर वही थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा चाय पीते हैं और थोड़ी भूख भी लग रही है तो कुछ खाते हैं। और साथ साथ कल मैं जाने से पहले मलाई का डब्बा जो है वो बाहर निकाल के रख गई थी, आपको पता है मैं बिना मक्खन निकाले मलाई निकाल घी निकालती हूँ, तो मैंने आते ही देखा अब किचन में तो वो फूट रखी थी, मलाई अलग हो रखी थी, तो मैंने फटाफट से चढ़ा दिया है, अब ये सिम पे पक रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस बार ये अच्छा निकलेगा, तो देखती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिलाते रहूँगी अब तो जो मलाई अच्छे से फूट जाएगी। तो काफ़ी हद तक हो गया है और इधर मेरी चाय भी बन गई है, बट साथ में क्या खाऊँ वो नहीं समझ आ रहा, वेट कर रही हूँ सिम पे रखते कि समृद्ध आ जाए, समृद्ध आने वाला है, तो समृद्ध आ जाए तो कुछ मंगवाती हूँ फिर खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग रही है अब तो। सुबह बस वहाँ पे अंकल पोहा लेके आए थे ब्रेकफास्ट में हमारे लिए, मेरे और आंटी के लिए, उनके वहाँ पे कोई शॉप है जो बहुत ही टेस्टी पोहा मिलता है, और वाकई में मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। बट आपको पता है मुझे सुबह सुबह इतनी भूख लगती नहीं है उस टाइम पे, तो मैं चाय के साथ रस बिस्किट ऐसी चीज़ खाती हूँ, तो मैंने उसकी जगह पे फिर कुछ थोड़ा सा पोहा खा लिया था। बस चाय हो गई मेरी, चाय डालती हूँ और साथ साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है, ये वाली दाल है माँ छिलके वाली दाल, उड़द की टूटी हुई जो होती है वो दाल और चने की दाल, तो वो मैंने चढ़ाने विस्सल कराने के लिए मिक्स कर लिया, धो लिया है, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा रिफाइंड और नमक और हल्दी हल्की सी वो डाल दी है। तो बस अब ये मैं चढ़ा के विस्सल के लिए रख के सिम पे चली जाऊँगी अंदर, और घी भी सिम पे है तो दोनों चीज़ हो जाएगी। तब तक मैं रस के साथ चाय पीती हूँ, समृद्ध भी आएगा उसको भी भूख लगी होगी, तो देखती हूँ अगर कुछ लाएगा समोसा वगैरह तो थोड़ा पेट को हाकरा हो जाएगा। चलिए चाय भी लेते हैं फिर मिलते हैं। सब्जी काफ़ी टाइम बाद बनी, दाल बहुत अच्छी लगी सबको, दिया खा के भी गई और लेके भी गई, चावल ये बचे हैं कल सुबह टिफिन जाएगा, और हम सब खा चुके, पापा खा के जा चुके हैं, मेरी भी प्लेट हो रही, और ये भैया खा रहा है अभी। अच्छा है पतली है दाल, अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है भाई, अच्छी पतली है। अच्छी है, सब अच्छी है भाई, हम खाना मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए चाहे जैसा भी हो, है ना, मतलब अच्छी नहीं है, अरे अच्छी है यार। तंग करना अच्छा लगा, बस थकावट उतर ही नहीं रही है, जबकि कुछ नहीं किया कल वहाँ पे गई मैम ने मेरे लिए सैंडविचेस बनाए ब्रोकली के, मैंने फर्स्ट टाइम ब्रोकली खाई और मुझे फील होता था कि ब्रोकली जो है ना थोड़ा वियर्ड सा टेस्ट करेगी, बट बिल्कुल गोभी जैसी थी, जैसे घर में हम गोभी आलू बनाते हैं बिल्कुल वैसी थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँगी, बच्चों को खिलाऊँगी कि उनको कैसी लगती है, तो मैं भी बनाऊंगी। फिर शाम को हम लोग गप्पे मारते रहे अंकल मैं और मैम, फिर हमने चाय वाय पी, उसके बाद फिर रात को उन्होंने ब्रोकली तो बनाई रखी थी, दिन में तो मैंने खाना खाया नहीं था, बस वही सैंडविच ही खाए थे हमने एक एक तीनों ने, तो मेरे चक्कर में वो भी भूखे रहे। उसके बाद फिर इवनिंग में उन्होंने कहा मैं मटर वाली पनीर भुर्जी बनाऊंगी, मैंने कहा अब आप नहीं बनाओगे अब मैं बनाऊंगी, अब मैं आई हूँ तो मैं बनाऊंगी, तो कहने लगे नहीं नहीं तू अपने घर पे भी काम करके आई है तो मैं नहीं करवाऊंगी तेरे से काम, मैंने कहा नहीं फिर मैं बैठूंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर अपनी मम्मी के घर आई हूँ तो मैं भी चाहूँगी भाई रोज़ तो मम्मी बनाती है आज मेरे हाथ से खाए।
फिर हम लोग मतलब मैं बना रही थी तो वो दोनों मेरे बगल में ही खड़े रहे किचन में, एक सेकंड को भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और गिनती की हमने चार चपाती बनाई, दो मेरी एक एक उनकी, वो एक से ज़्यादा खाते ही नहीं। तो चार रोटी के लिए भी कह रही मैं बनाऊंगी, मैंने कहा जब मैं खड़ी हूँ गैस के पास तो मैं क्यों ना बनाऊँ, मैं बनाऊँगी। तो वो चार रोटी मतलब जब तक पूरा खाना बन नहीं गया, शेल्फ वगैरह हमने साफ नहीं कर ली, वो दोनों मेरे बगल में ही खड़े रहे, एक सेकंड से जाके नहीं बैठे, मतलब मेरे को अकेला छोड़ा ही नहीं उन्होंने। कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैंने कहा नहीं बाबा आप बैठो मैं बनाऊंगी, आज मैं खिलाऊंगी अपने हाथ का। फिर एक ना वो रहती है ना हेजिटेशन भी होती है ना कि पता नहीं मैं मसाले तेज ना कर दूं, उनका एक अलग तरीका होगा खाने का, एज एज उनकी इतनी है तो उनका एक स्टाइल है प्रॉपर ईट करने का, बाइट करने का, इवन मसाले भी एक प्रॉपर वे में डालने का। तो जब मैं बना रही थी ना तो मुझे यह हुआ कि मसाले चेक करने चाहिए कहीं 1% भी नमक मिर्च कुछ तेज ना हो जाए। तो मैंने उनको बोला आप चखो, कह रहे नहीं नहीं हमें विश्वास है तो बहुत अच्छा बनाएगी। मैंने कहा नहीं मैं तो चखूंगी, अगर आप नहीं चखोगे तो कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने चखा तो मेरे हिसाब से ओके था, मतलब मसाले तेज नहीं थे। तो जब हम खाना खाने बैठे उन्होंने इतना प्रेज किया कि मतलब आज अलग से तेरे हाथ से खा के हमें भी अलग टेस्ट मिला कि भाई हम रूटीन का जो खाना खाते हैं उससे डिफरेंट टेस्ट मिला। स्पेशली मैम को कि रोज मैं अपने हाथ की बनाती थी चपाती, अपने हाथ की बनाती थी तो वो एक ना रूटीन बन जाता है कि ऐसा ही बनना है ऐसा ही बनना है, बट आज का जो खाना है पनीर भुर्जी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट बनी, बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी तसल्ली हुई ना कि ऐसे जैसे मम्मी के लिए मैंने कुछ किया और मम्मी को खिलाया हो अपने हाथ का कुछ बना के। मम्मी एक्चुअली मेरे घर नहीं आती थी ना कभी भी, तो जब मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ पे जब तक भाभी नहीं थी तब तक तो अलग चीज़ थी, मैं भाई अपने हिसाब से बना लेती थी, बोल देती थी कि ऐसे नहीं बनाओ ऐसे बनाओ तो वो चीज़ हो जाती थी। बट जब भाभी आ गई थी तो थोड़ा सा होता है ना, भाभी को भी तो शौक आता है ना कि भाई मैं बना के खिलाती दीदी, तो एक वो रहती है ना कि मम्मी पापा कभी घर ही नहीं आए, मैं उनको अपने हाथ का वैसे नहीं खिला पाई। बस हाँ डिनर वगैरह पे वैसे आते थे जैसे भाई भाभी मम्मी पापा तो मैं बनाती थी, बट क्या होता था ना कि गप्पे मारनी है बैठना है साथ में तो एक आधी डिश बना ली, बाकी चीज़ें जो होती थी बाज़ार से आ गई या घर में चावल रोटी वगैरह बना ली, बाकी सब्जियां बाहर से मंगा ली, तो वो मज़ा नहीं आता था। वो रहे मेरे पास आके तो मैं उनको अलग अलग चीज़ें बना के खिलाऊं जो मैंने नई नई चीज़ें सीखी हैं, वो नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया। पर मेरी मदर इन लॉ जब भी आती थी या उनकी तबीयत जब ख़राब होती थी तो मैं यहाँ से टिफ़िन बना के भेजती थी, तो मैं एक्सपेरिमेंट जितने भी करती थी जो सक्सेसफुल होते थे मैं उनको टेस्ट कराती थी, उनको बहुत अच्छे लगते थे। कुछ एक चीज़ें उनको मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती थी, जैसे सांभर चावल उनको बहुत पसंद था, स्पेशली पापा को बहुत पसंद था। और सोयाबीन का चूरा मैं बना के देती थी उनको, कीमा, वो सब्ज़ी उनको बहुत पसंद आती थी पापा को और मम्मी को। वो मतलब इतनी कहते थे कि भेजियो कि हम रोटी भी खा लें, रोटी तो एक एक ही खानी होती थी उन्होंने, बट शाम को ब्रेड पे लगा के उनको बहुत अच्छी लगती थी खानी। तो मेरे तो आज मुझे ना वही वाली फीलिंग हुई कि मम्मी पापा के साथ में बैठी हूँ। फिर रात को हम कितनी देर तक बातें करते रहे मैम और मैं, और उसके बाद सुबह अंकल जब मतलब उठ तो मैं गई थी, जब मैम उठी थी सुबह 5:30-6 बजे के करीब, नहीं 4:30-4 बजे जब अंकल गए थे तो मैं उठ गई थी एक बार, तो आवाज़ आई तो मैं उठी थी, जब वो जा रहे थे मैं जा रहा हूँ तो मैम उठ गई थी उसी वक्त, तो मैं उठ गई थी तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग किया, कह रही नहीं नहीं तू सो ही रहा है, तू अभी सो ही रहा, तेरे उठने का टाइम नहीं हुआ, मेरा तो रूटीन है मैं तो उठ रही हूँ। बट वो होता है ना कि एक बार नींद टूटती है और ओपरा बिस्तर ओपरा घर होता है तो वो पक्की कच्ची पक्की नींद थी, तो आवाज़ें आ रही थी मुझे बाहर से वो क्या कर रही हैं, खटर पटर आवाज़ चल रही थी, बट वो है कि मैं उठी नहीं बिस्तर से, क्योंकि मैं उनको ये भी फील नहीं करा सकती थी ना कि नहीं मेरी नींद टूट गई। वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं हर चीज़ को लेके, मतलब बहुत अलग फीलिंग थी। मैं सच बताऊँ एक माह का छूटा था ना मेरे से, तो एक टूटने का एहसास होता है ना, जैसे कि ना ससुराल है ना मायका है, कोई नहीं है लाइफ के अंदर अब, तो दोनों ही रिश्ते ख़त्म। तो एक माह का छूटा था, मुझे 3 मायके मिल गए, 3 क्यों 4 मिल गए, 4 मायके मिल गए मुझे। दिल से जो लोग बात करते हैं, इन टच रहते हैं, हालचाल पूछते हैं, जिनको फील होता है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, है ही नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। चलो मैं एक बात करती हूँ कि मैं भी किसी को नहीं करती, मैं भी किसी को कॉल नहीं करती, क्योंकि मुझे उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, किसी का दुख सुख पता चलता है तो उसी में हालचाल पूछ लेते हैं हम। बट मेरी लाइफ जो अब है वो विजिबल है सबको, सबको दिखता है रोज़ डेली मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई नहीं करता। एक तो होता है ना कि हमें पता ही नहीं कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, बट पता होने के बाद भी कौन सा आप इन टच हो यार। अगर आपको पता चल गया कि कोई दुख सुख आया है और इनके स्टिचेस लगे थे, 8 स्टिचेस आए थे, एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैं कितना बीमार रही हूँ, क्या कुछ हुआ है दिया के साथ सैमी के साथ, नहीं कोई नहीं पूछता आजकल किसी को, किसी की लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। बस हाँ जब मिलेंगे शादी ब्याह में तो बस अच्छा गुडी गुडी बिहेव करेंगे, अच्छा अच्छा बात करेंगे, बस अपने अपने घर निकल जाएंगे, फिर मैं भी वही कर लेती हूँ। जब बुरा क्यों फील कराऊँ या करूँ,
मुझे गिले शिकवे अच्छे नहीं लगते। मैं जा जा के मिल के किसी को ये नहीं बोलती, हाँ तू तो पूछती नहीं है, हाँ हाँ तू तो पूछता नहीं है, मैं नहीं बोलती। वही चीज़ मैं सामने से एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनको भी नहीं पूछना चाहिए ना फिर मुझसे, उनको भी नाराज़गियाँ नहीं रखनी चाहिए कि भाई तुम तो पूछते नहीं हो। नहीं बोलना चाहिए, जब आप नहीं करते तो सामने वाला भी नहीं करता, मैं नहीं करती तो मेरे को भी कोई नहीं पूछता, ऐसे ही होता है ना। आप हर कोई ये सोचे कि भाई मेरे को उसने नहीं पूछा, अरे आप इनिशिएट कर लो ना, आप बड़प्पन दिखा लो, आप एक बार बात तो करो सामने वाले से, फिर देखो कि वो बात करता है नहीं करता। क्या पता उसको भी कोई हेजिटेशन हो रही हो कि भाई कोई रीज़न हो जिसकी वजह से वो बात ना कर रहा हो, अगर आपका मन है। और मैं सच बताऊँ, अब मैं अपने मन के हिसाब से चलती हूँ, अब मेरे को अगर मन है तो मैं करूँगी, चाहे सामने वाला मुझे गाली दे के फ़ोन काट दे, चाहे मुझे धक्के मार के घर से निकाल दे, पर अगर मेरा मन है, और अब मेरा मन है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिन लोगों को मेरी फ़िक्र है, मैं उनसे मिलने भी जाऊंगी, मैं उनसे बात भी करूंगी, मैं उनके इन टच भी रहूंगी, मैं करूंगी। जो मुझसे प्यार करता है, मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ना निगलेक्ट किया है अननोइंगली, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, अब बस टाइम ही टाइम है। अब मैं उन सब के टच में रहूंगी। वीना मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी मतलब अगर साल में एक बार भी बात हुई है ना, तो बेटा 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 करते हैं, उनकी ज़बान नहीं थकती। उनके बच्चे इतनी इज्जत देते हैं, मान देते हैं। कल जीतू उनका बेटा, उसका 2 बार फ़ोन आया, रात को सोने से पहले भी फ़ोन आया कि नहीं मुझे दीदी को गुड नाइट कहना है। उससे पहले शाम को अंकल ने बात करवाई थी, तब भी उसने मेरे से बहुत सारी बातें की, उसकी वाइफ से भी बात हुई, बिटिया इतनी प्यारी है उससे बात हुई, उसने इन्वाइट किया मुझे कि मेरे घर आओ, मैंने नया घर लिया है, क्या मिलेगा उसको मुझसे, मैं क्या दे दूंगी उसको, और उसको ज़रूरत भी क्या है मुझे बोलने की। बट उसने बोला, वही बहुत बड़ी बात है कि अगला सामने से इतना भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। बहुत थैंकफुल हूँ मैं गॉड को कि मेरे पास कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो खून के रिश्तों से ऊपर बैठे हैं आज की डेट में। अप्रिशिएट करते हैं कि दुआ करते हैं कि दीदी आप ऐसे खुश रहो। कमेंट्स में पढ़िए, मेरे अपने मेरे लिए जो कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट में लिखते हैं कि आप खुश दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो। नहीं तो पिछले 2 साल बहुत भारी रहे हैं, बहुत भारी, इमोशनली फाइनेंशली हर जगह से टूटी हूँ मैं, लिटरली ऐसे ऐसे ना हथौड़े मार मार के क्रश किया है लोगों ने, और उन लोगों ने जो मेरे अपने हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, ना किसी के लिए बुरा बोलती हूँ, बट वो परमात्मा है मेरे साथ, कोई कितनी चोट दे दे, एक ना एक दिन उसको रियलाइज़ होगा कि उसने गलत किया है। कोई बात नहीं, चलता है, पर अभी मैं खुशी रहना चाहती हूँ। अभी जो खुशी मुझे कल 1-24 घंटे के अंदर मिली है ना, ऑसम थी, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। बस ऐसे ही मैं उनसे मिलते रहना चाहती हूँ, जब तक मुझे उनका प्यार मिल सकता है मैं लेना चाहती हूँ। तो हर तरफ से रिश्ते कट गए हैं, पर हाँ धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। टाइम लगता है, रिश्ते जब टूटते हैं तो उनको दोबारा जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, जब तक जिंदा है कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी कुछ आ जाएगा, हाथ में कुछ तो बनेगा। क्रॉस फिंगर्स। चलिए, बहुत बकवास कर ली मैंने आज, आप इमोशन समझ रहे हैं, खुशी समझ रहे हैं मेरी। बहुत अच्छा लगा मुझे कल, बहुत अच्छा। जब मैं रात को लेट के उनसे बात कर रही थी ना, वो इधर लेटी थी मैं इधर लेटी थी, मैं उनको देख रही थी ना, तो बिल्कुल ये चीज़ ऐसे लग रहा था मेरी मम्मी बात कर रही है, मम्मी से बात कर रही हूँ मैं। कई बार मम्मी भी रात को मैं वहाँ जाती थी, तो रात को मम्मी और मैं बातें कर रहे होते थे ना, तो मेरे को झपकी आने लग जाती थी, तो कह सो रही है तू, सुन नहीं रही तू? नहीं नहीं मम्मी सुन रही हूँ, बोलो बोलो। बहुत बातें करती थी उस टाइम पर मम्मी, दिन भर में तो उनके पास टाइम नहीं होता था ना, रात को तो बहुत बातें करती थी, बहुत मज़ा आता था मम्मी के साथ। चलो फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा वही मोमेंट को जिएंगे, मज़ा आएगा। तो अभी के लिए हम गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, नहीं तो मैं बोलती जाऊँगी बोलती जाऊँगी बोलती जाऊँगी, एंडलेस इतना बोल दूंगी कि आप भी थक जाओगे। तो बस चलती हूँ, कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छे मूड अच्छी सेहत के साथ। गुड नाइट, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।